हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम विंटर स्पेशल में मखाना मिल्क शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस लगता है, इसे एक ट्राई ज़रूर करना एज ये ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, विंटर मखाना मिल्क बनाने के लिए हमने आधा होल मखाने लिए हैं और विदाउट घी से हमें इसे ड्राई रोस्ट करके लेना है, एज मखाने की टेंडेंसी होती है कि बहुत सारा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्पी हो जाते हैं। ये अब अच्छे खासे क्रिस्पी हुए हैं, इसे साइड में उतार के रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने आधा टीस्पून घी डाला है, ज्यादा नहीं, बस ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच हमने पिस्ता डाला है, 1 चम्मच अखरोट के पीसेस है, हमने उसे फाइनली चॉप किया है। इसका क्रंच मिल्क के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और 1 चम्मच हमने काजू डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करके लेंगे, फ्राई करके लेंगे, ताकि इसका क्रंच जो दूध हम पकाएंगे, मिल्क बनाएंगे, उसमें बड़ा ही मज़ेदार आएगा। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से किशमिश डालेंगे और हमने खजूर के छोटे छोटे पीसेस करके डाले हैं। ये सब हमें डाल के इसे भी थोड़ा सा रोस्ट करके लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की इन सब को रोस्ट करने में। अब ये सब चीज़ें रोस्ट हो गए हैं, तो अब इसमें हम मिल्क शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फ्लेम बंद किए थे, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कप दूध लिया है, वो इसमें पोर करेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम 1-2 अच्छे उबाल लेंगे। हमें अच्छे से उबाल के लेना है ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स के जो फ्लेवर्स हैं वो मिल्क में आ जाए। तो यहाँ पर हम फ्लेम सिम कर रहे हैं और इसको 2-3 उबाल आने तक वेट करेंगे। तब तक हमें या इसके अंदर शामिल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मिक्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1/4 कटोरी दूध लिए है और 2 टीस्पून भर के हमने वेनीला कस्टर्ड पाउडर लिए है, वो हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है, एज गर्म दूध में इसके लम्स हो जा सकते हैं। तो ठंडा दूध लेना है और कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। तो बहुत ही अच्छा हमारा ये मिक्सचर बन जाएगा। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से फ्रेंड्स, हमारा जो विंटर स्पेशल मिल्क है, मखाना मिल्क, उसे एक बहुत ही अच्छा रिच, क्रीमी और थोड़ा सा थिक फ्लेवर आ जाएगा और टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड में रखते हैं और हमारे मिल्क की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध को अच्छे खासे 2-3 उबाल आ चुके हैं, तो ये कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो हमें ऐड करना है और तभी के तभी हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है, नहीं तो यहाँ पर लम्स हो जाएंगे। अभी इसे हमें वापस 2-3 मिनट अच्छे से पका के लेना है ताकि सारे फ्लेवर्स हैं वो एक साथ आ जाए। देखिए, मिल्क एकदम रिच, क्रीमी और फ्लेवरफुल हो गया है। अब और 2-3 मिनट जब ये पकेगा तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब अच्छा खासा उबाल आने के बाद ये जो मिल्क है वो रेडी हो चुका है। अब स्पाइसेस ऐड करने में हमने 1 पिंच हल्दी पाउडर डाले हैं। हल्दी के फायदे तो सबको पता है, बेनिफिट्स, एंटीसेप्टिक होता है और विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। अब बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे
थोड़ी सी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ये डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स एक साथ आ जाए। अब कभी कभी ठंडियों में किसी को खराश होती है गले में, खांसी जुकाम होता है, इसलिए स्पाइसेस में हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च भी डालेंगे तो हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये विंटर स्पेशल में विंटर मखाना मिल्क बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिट्स वाला है। अब ये पूरा रेडी हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर, ये डालिए और शुगर को मेल्ट होने के लिए 1-2 मिनट हमें उसे पका के लेना है। साइड साइड्स में लगता है उसे स्क्रेप करके हमें अंदर डालना है। अब ये सब रेडी हो चुका है तो इसमें जो हमारे जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे लास्ट में फाइनली हम ये ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स लीजिए हमारा विंटर स्पेशल विंटर मखाना मिल्क रेडी हो चुका है। इसे एक ट्राई ज़रूर करना, हमारे घर में सब पसंद करते हैं और ये बच्चों को देना बहुत ही हेल्दी होता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप ये दे सकते हो। तो चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज का ये विंटर मखाना स्पेशल मिल्क आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको ये विंटर स्पेशल मिल्क कैसा लगा। तो इसी तरह मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। Till then, take care, thank you and bye-bye friends.